सेनेटर सिराज उल हक ने कहा है कि मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं और हुकूमत की रिट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत की बेबसी का ये आलम है कि अब अस्पतालों में मरीज भी महफूज नहीं रहे। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तलबा ग्रुप की फायरिंग से तालिब इल्म तोफैल की हलाकत पर जमात इस्लामी का कहना था कि लावारिस नहीं, ये पाकिस्तान और इस्लाम का बेटा था, उसका खून रायगा बिल्कुल नहीं जाएगा। उनके मेहमान नवाबी में मसरूफ थे, ऐसे वक्त में जमीयत को क्या पड़ी है कि तसादुम पर उतर आई है। एक तरफा हमला हुआ है और हमारे कारकुन को शहीद किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये लावारिस नहीं है और जमात इस्लामी इन तलबा के साथ खड़ी है। ये हमारा खून, ये हमारा बेटा, ये पाकिस्तान का बेटा, ये इस्लाम का बेटा, ये खून इंशाअल्लाह ताला रायगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, मैं अपनी कौम से बात करना चाहता हूं कि ये एक वाकया नहीं है। चंद दिन कबल लाहौर में किलोमीटर किलोमीटर एक जुलूस आ रहा है अस्पताल पर हमले के लिए। हुकूमत देखते रही, तमाशा करते रही और जब सब कुछ हो गया फिर रोने धोने के लिए वह हुकूमत आई और उसी तरह यह भी हुआ है।